बिहार के बाहुबली रह चुके शहाबुद्दीन की फैमिली का AK-47 से रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। साल 2004 और 5 में बिहार से प्रकाशित अखबार और मैगजीन के अगर आप पन्ने पलटेंगे तो आपको RJD के पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन और AK-47 राइफल से जुड़ी तमाम खबरें दिख जाएंगी। इत्तेफाक देखिए, अब मोहम्मद शहाबुद्दीन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 17 साल बाद उनके बेटे उसामा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा भी AK-47 राइफल से ही हुई फायरिंग से जुड़ा है। इससे पहले तेजाब कांड केस में भी उसामा का नाम आया था, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। यानी एक तरफ से कहें तो AK-47 राइफल से जुड़े केस में उसामा का नाम आना उनकी क्राइम फाइल की बोहनी है। MLC चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी और चर्चित खान ब्रदर्स के रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमले के मामले में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब समेत कुल 8 लोगों पर बाहुबली रईस खान ने FIR दर्ज करवाई है। उसामा शहाब के अलावा चौप गांव के मोहम्मद आफताब आलम, नवलपुर के गुड्डू मियां उर्फ गुड्डू पिस्टल, ओरमा पंचायत के मुखिया साबिर अली, शेखपुरा के डब्लू खान, महुवल के आजाद अंसारी, महुवल के आसिफ सिद्दीकी और उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के चवन्ने सिंह का नाम है। इनके अलावा भी कुछ अज्ञात लोग हैं। रईस खान ने पुलिस को दिया आवेदन में लिखा है कि सिवान की राजनीति में उसके बढ़ते हुए खत को देखकर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के खेमे में निराशा है, इसलिए उसकी जान लेने की नियत से उस पर हमला करवाया गया। सोमवार की रात को रईस खान सिवान कार्यालय से अपने गांव सिसवन प्रखंड के ग्यासपुर जा रही थी, तभी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव के पास उनके काफिले पर हमला हो गया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने हिसाब बराबर करने की बात कही थी। साल 2004 में बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार के पतन का दौर शुरू हो चुका था। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति का आबोहवा देखकर अनुमान लगने लगा था कि RJD सत्ता से बेदखल होने वाली है। इसी दौर में 16 अगस्त 2004 को रंगदारी न देने पर व्यवसायी चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंद्रा बाबू के दो बेटों राजीव और सतीश के सेवान के बीच चौराहे पर तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई। केस में RJD के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सामने आया। तब ऑफिसर CK अनिल और S रत्न संजय कटियार ने मिलकर उनके घर पर छापेमारी की पूरी प्लानिंग की। इन्हीं दो ऑफिसर्स ने भारी पुलिस बल के साथ शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित घर पर छापेमारी की। इस दौरान शहाबुद्दीन के समर्थकों और पुलिस के बीच करीब 3 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। छापेमारी में शहाबुद्दीन के घर से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस कंपनी की मोहर लगी AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। यूं तो शहाबुद्दीन के घर से भारी मात्रा में हथियार और जेवरात मिले थे, लेकिन पाकिस्तानी AK-47 राइफल मिलने की खबर देश दुनिया की मीडिया में खूब सुर्खियां बनी थी। कोरोना के चलते दिल्ली की जेल में पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद बेटे उसामा को ही उनका राजनीतिक वारिस माना जा रहा है। पिछले साल उसामा की शादी में जिस तरह से राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, उससे साफ संकेत है कि वो जल्द ही पॉलिटिक्स में लॉन्च होंगे। पॉलिटिकल लॉन्चिंग से पहले AK-47 से जुड़े केस में उसामा का नाम आना उन पर क्या असर डालता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि परिवार के करीबी लोगों से उसामा के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वो इस वक्त जिले से बाहर हैं। रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला मामले में उनका नाम घसीटना राजनीतिक साजिश है। घर जा रहे थे, रास्ता में करीब 4-5 को 47 लेकर लोग अनाधुन गोली चला दिया जी। मेरी गाड़ी तो रफ्तार थी, तेज थी, निकल गए जी। मेरे पिछले वाली गाड़ी 2-3 गाड़ी में लगी है गोली जी, और हमारे भाई को गोली भी लगा है, हमारे ड्राइवर को भी लगा है। उसके पीछे हमारे गांव का कोई लड़का जा रहा था, हमारे गाड़ी के पीछे ही था, तो उसको भी सुनने में उसको भी लगा तो डेट कर गया है जी। जी तो देख रहे हैं। तो आपके समर्थक कितने घायल हैं इसमें? इसमें तो मान लें कि हमारा एक जान नहीं है, तो गांव का है तो मेरा घर का ही ना है जी। जी जो डेट किया मेरा घर का ही है, मेरा गांव का है तो जी। जी और हमारे भाई साहब को भी गोली लगा है जी। जी चलो टोटल कितने लोगों को मतलब कि खान साहब गोली लगी है? अभी तो देखिए गोली वहां पर तो कम से कम 100-150 राउंड तक खोखा वहां पर फेंका हुआ था।
150 वहाँ पे। हाँ 47 ने खोखा वहाँ था जी जी। और क्या कहा जाए, चलते हैं फिर देखा जाए। क्या माना जाए चुनावी इसको रंजिश देखी जाए, क्या माना जाए? अब तो क्या माना जाए तो हम लोग क्या बताएं, समझे जी। और सुरक्षा गार्ड के लिए हम पहले भी एप्लीकेशन दिए। चुनाव में आपको गार्ड नहीं मिला था क्या? और इसमें डीएम साहब के आदेश के बाद भी हमको गार्ड नहीं मिला था, समझे जी जी। डीएम साहब खुद बोले कि हम लोग सब जितने भी प्रत्याशी हैं हम लोग गार्ड अलाउ करते हैं, अभी बोलते हैं जी जी। उसके बाद भी गार्ड नहीं मिला। अभी अभी क्या हाल है, अभी कैसे, क्या सुरक्षित है जो लोग खतरे से बाहर हैं कि अभी? एक आदमी का जो अभी अभी ऑपरेशन हो रहा है जी जी, वो कुछ ठीक है। एक बच्चा अभी जो डेट कर गया, अभी तो देखने जा रहे हैं गांव कहीं जी, 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 का जी। कौन है किसे हो गया। तो अभी भी खान साहब आपको खतरा है? खतरा तो है ही जी जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।